पुलिस को दो शातिर अपराधी को पकड़ने में कामयाबी मिली, जिनके ऊपर 15,000 का इनाम पुलिस ने पहले से ही घोषित कर रखा था। दोनों अपराधियों को गोरखपुर के बशारतपुर स्थित पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अभिनंदन त्रिपाठी और इजमामुल हक नाम के दोनों शातिर अपराधी गोरखपुर के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ पहले से भी मुकदमा दर्ज है। इन दोनों अभियुक्तों के पास से देसी तमंचा और एक पिस्टल भी कारतूस सहित बरामद की गई। इस गिरफ्तारी के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी इनामी अपराधियों को गिरफ्तार करने का क्रम जारी किया गया है। इसने 10 जनवरी को थाना शाहपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज के पास एक बियर की दुकान पे सेल्समैन को जान से मारने की नीयत से हवाई फायर भी किया था इसने और गोली बगल से निकल गई थी। इसकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी महोदय ने नाम घोषित कर रखा था और जिले की तीनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई में इसे गिरफ्तार किया है। सर लूट भी किया था? नहीं, लूट नहीं किया था। ये मनबड़ा काफी गुंडा प्रवृत्ति के अपराधी हैं और जैसा भी बताया गया है थाना शाहपुर और गुलरिया क्षेत्र में एक गैंग काम कर रही महमुद्दीन अंसारी के, उसी का ये सब सक्रिय सदस्य हैं। ये वहाँ पर इनका आतंक है और गुंडागिरी का काम करते हैं। रंगदारी भी मांगते हैं? रंगदारी के मामले उस तरह के प्रकाश नहीं आए, लेकिन यदा कदा जमीन जायदाद के मामले में अड़ंगेबाजी जरूर करते हैं। और भी साथी नवीन के हैं? हाँ, ये अपने एक साथी के साथ गिरफ्तार हुआ है इंजमामुल हक के साथ और बाकी इनकी कुंडली तैयार की जा रही है। इनके गैंग के काफ़ी लोग अंदर भेजे जा चुके हैं, बाकी जो बाहर हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है।